तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो में मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, कुछ अलग चीज़ दिखाने वाला हूँ। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ और आप लोगों को वो चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज मैं आपको क्या, आपके लिए क्या लेके आया हूँ और मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। हे फ्रेंड्स, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम राकेश है और आप देख रहे हैं राकेश गैन ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, हमारा चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं काफ़ी दिन से मेरा चैनल में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक इंसिडेंट हो गया था। मैं वीडियो शूटिंग कर रहा था और मेरा जो फ़ोन है वो पानी में भीग के ख़राब हो गया था। तो उसमें बहुत अच्छा सा एक शूट लिया था मैंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ख़राब हो गया फ़ोन और मैं उससे कुछ डेटा नहीं निकल पाया, क्योंकि वो फ़ोन का अंदर में उसका जो मेमोरी कार्ड है इनबिल्ट था, तो मैं नहीं निकल पाया। तो इसके लिए मैं एक कैमरे के लिए ऑर्डर दिया था, वो कैमरा मेरे पास आ गया है। मैं इस कैमरे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, वो मेरा ड्रीम कैमरा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते काफ़ी बारिश भी आ गया, तो फिर हम थोड़ा सेट के नीचे आ गया। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, अगर बाहर जाएंगे तो फिर हमारा कैमरा वगैरह जो भी है बिक जाएगा। तो मैं इधर ही बैठ के आपको दिखाऊंगा। तो जो GoPro जो है, मैंने अमेजोन में पहले ऑर्डर किया था। मैं जहाँ मैं रहता हूँ वो एक आइलैंड है, वहाँ पे डायरेक्ट अमेजोन डिलीवरी देता नहीं है। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास मैं ऑर्डर किया था। तो फिर क्या हुआ था, वो कैमरा के लिए मेरा दोस्त ने बहुत रिसर्च किया, रिसर्च करके फिर निकाला कि GoPro से बातचीत करके कि GoPro से कन्विंस किया कि हमारा जो कैमरा है वो उसको वो डिलीवरी दे हमारा दोस्त का एड्रेस पे। तो GoPro ने मान लिया और वो कैमरा वो फाइनली डिलीवर कर दिया है। उसके बाद काफ़ी देर वेट करने के बाद वो कैमरा फाइनली हमारा हाथ में आके पहुंचा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे उसको अनबॉक्सिंग करके। इसका पहले मैं ऑलरेडी उसको खोल के थोड़ा देख लिया है, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था। तो अभी फिर से मैंने उसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे और उसके बाद हमारा आगे का जर्नी शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो आज सोचे थे कि ये जो कैमरा है वो एक्शन कैमरा है, तो हम लोग थोड़ा नेचर का अंदर में अनबॉक्सिंग करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश आ गया है। तो दोस्तों, हम लोग आज इंडोर में करेंगे। तो चलिए, यस। तो ये हो गया सब कुछ, मैं यहाँ पे रेडी करके रखा हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा कैमरा का पूरा बॉक्स है और ये जो है ये उसके अंदर एक वाटरप्रूफ केस है और ये मेमोरी कार्ड है जो कि मैं ऑलरेडी लगा दिया उसमें, और ये सारा उसका कैमरा का माउंट है और एक मेमोरी कार्ड है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको खोलेंगे और एक करेंगे ओपन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हुआ था ठीक है। तो ये हो गया चार्जिंग केबल जो कि USB टाइप है, और इसके अंदर में कुछ मैनुअल वगैरह है, जो भी है मैनुअल वगैरह तो बहुत कुछ है। ये तो पढ़ना है तो लोग, हम तो इतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, देख सकते हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस में है। और ये हो गया जो बाइक में लगा के उसका माउंट है, जिन लोग मोटो ब्लॉगिंग करते के लिए करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। और ये यहाँ पर भी और एक माउंट है, उसको साइड में रख दिया। तो फाइनली आ गया अभी कैमरा, ये जो कैमरा मैं अभी निकल रहा हूँ, देखिए इसी के लिए मैं इंतज़ार किया काफ़ी दिन। ये जो है मेरा ड्रीम कैमरा बोल सकते हो आप, क्योंकि मेरे लिए पहली बार है GoPro, तो ऑब्वियसली ड्रीम कैमरा तो होगा ही सबके लिए। तो ये हो गया GoPro 9, यहाँ पे लिखा है GoPro 9 ब्लैक, ठीक है। ये है स्विच ऑफ, स्विच ऑन बटन, और इधर में भी और एक बटन है जो वीडियो ऑन करने से इसको दबाने से ऑन हो जाएगा, फिर दबाने से पॉज हो जाएगा। ये स्क्रीन दिख रहा है, ये स्क्रीन है, तो अभी करेंगे इसको ऑन। ये कर दिया इसको ऑन, ये हो जाएगा थोड़ी देर में, ये हो गया ऑन। ओके, इसमें बहुत सारा मोड है, स्टैंडर्ड मोड, इसमें तीन चार मोड है इसमें वीडियो में, स्टैंडर्ड, एक्टिविटी, ये हो गया सिनेमैटिक, और ये हो गया स्लो मोशन, ठीक है। तो आप कैसे भी अपने आप जिसको आपको जैसा चाहिए आप सेटिंग कर सकते हो यहाँ पर जाके। ये मैं देखिए, हमें 4K में है, ये वाइड एंगल में है, जो भी है मैंने सेटिंग पहले से कर लिया हूँ, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है पीछे, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमें सर टानेंगे, इसे खोलेंगे, ये यहाँ पे लगा हुआ है बैटरी, और ये हो गया जो मेमोरी कार्ड जो मैंने पहले डाल दिया हूँ, और ये है चार्जिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको कर देते बंद और शुरू करेंगे इससे वीडियो। अभी ये GoPro से मैं अभी वीडियो निकालेंगे, थोड़ा बहुत वीडियो निकाल के मैं आपको दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा फुटेज आपको दिख जाएगा कि कैसा फुटेज है।
तो जो वीडियो अभी निकाल रहे हैं वो आईफोन से निकाल रहे हैं, तो उसके बाद से जो भी वीडियो आएगा आपको गोप्रो से ही आएगा। तो अभी वीडियो निकाल के फिर मैं आपको दिखाएंगे, इसको लेंगे सिनेमैटिक मोड में। सिनेमैटिक मोड में लिया है, अभी हम आपको दिखाएंगे कैसा मेरा गोप्रो में कैसा फुटेज आया है। तो दोस्तों हमारा जो गोप्रो का वीडियो आप एंजॉय करिए, तो आपसे मिलूंगा अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।